26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। स्पीकर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 25 जून तक दाखिल किया जाएगा नॉमिनेशन। आपको बता दूं कौन से संभावित नाम, ओम बिरला पर बीजेपी फिर जता सकती है भरोसा, वहीं डी पुरंदेश्वरी के नाम पर भी बीजेपी और टीडीपी के बीच मंथन चल रहा है। इस बार पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी के पास नहीं है, ऐसे में मंथन करना पड़ेगा। और इसी बीच तारीख आ गई है सामने, 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। स्पीकर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 25 जून तक दाखिल किया जाएगा नॉमिनेशन। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमृत तिवारी, सीधा दिल्ली से। अमृत, अपडेट्स आ रही हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने साथ और भी कई तरीके के चुनाव लेकर आता है। इसी बीच लोकसभा स्पीकर का चुनाव, तारीख आ गई है, क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल अंजलि, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बड़ा अहम हिस्सा है। जबकि रिजल्ट आ चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, तो 24 जून से लेकर के 21 जुलाई तक जो है लोकसभा का संसद का सत्र चलेगा, और इस दौरान जो है 26 जून को जो है स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। स्पीकर ही एक ऐसा शख्स होता है और ऐसा पदाधिकारी होता है सदन का, जो जहाँ से सारे जो भी लोकसभा सदस्य होते हैं उनकी तमाम जितने भी बहस होती है, डिबेट होती है, चर्चाएं होती है, उसको संचालित करने का काम करता है। और उसके पास कुछ प्रोटोकॉल होते हैं सदन में, जो तीसरे सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकारों को वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, उनको जो है चाहे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। तो इस हिसाब से यह पद बड़ा अहम हो जाता है, और इसको लेकर के हमने पिछले दिन देखा कि किस तरह से सरकार के जो गठन के बाद जो है सबसे बड़ा जो जोर था वो स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर के होगा। और बिल्कुल इस वक्त का यही बड़ा सवाल है अमृत, की स्पीकर, लोकसभा स्पीकर कौन होगा। ऐसे में खबर ये आई थी कुछ दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ओम बिरला को स्पीकर बनाना चाहती है, हालांकि क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है तो एनडीए का मंथन अभी बाकी है। तो कौन से संभावित नाम निकलकर सामने आ रहे हैं अमृत? जी देखिए, एनडीए की तरफ से नाम की बात चर्चा में नहीं आ रही है, कई सारे नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश वो यही है कि जिस तरह से पिछली बार पिछले सत्र में ओम बिरला ने सत्र को संभाला, संचालित किया, उसी के मद्देनजर उन्हीं का नाम आगे पढ़ाया गया। उसको लेकर के जो सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत भी चल रही है, और जो हमें जानकारी है लगभग ये बातचीत है पूरी होने के कगार पे की है, और जैसा उस पर निर्भर लगनी बाकी है। हालांकि देखना यह है कि विपक्ष क्या रवैया अपनाता है, क्योंकि यहाँ पे सदन में न सिर्फ सत्ता पक्ष है बल्कि विपक्ष भी है। विपक्ष की तरफ से अगर समर्थन होता है तो फिर निर्विरोध चुने जाएंगे जो उम्मीदवार होंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ सदन में वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद जो है बहुमत के आधार पे फैसला होगा कि स्पीकर कौन होगा। और उसके अगले ही दिन जो है राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। चलिए ठीक है, तो 26 जून की तारीख तो आ गई है और अब नाम भी सामने आ ही जाएगा, मुहर भी लग ही जाएगी किसी एक के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम अपडेट्स के लिए। और अब अगली बड़ी खबर बलौदाबाजार से मिल रही है। बलौदाबाजार हिंसा पर सख्त हुई विष्णुदेव साय सरकार, बनाया गया है न्यायिक जांच आयोग। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में यह आयोग बना है और 6 बिंदुओं पर जांच करेगा आयोग, और उसके बाद 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी आयोग को। तो के लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है साय सरकार, और इसी बीच अब एक ये नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है, जहां रिटायर्ड न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोग में संचालन किया जाएगा और 6 बिंदुओं पर जांच की जाएगी, और आयोग को उसके बाद 3 महीने बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो बलौदाबाजार हिंसा जो हुई वो छत्तीसगढ़ के लिए कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं थी, इसी को देखते हुए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है विष्णुदेव साय सरकार, और उसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है जिसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में बनाया गया है, और 6 बिंदुओं पर मुख्य तौर जांच करने की जिम्मेदारी इस आयोग को सौंपी गई है। तो वहीं बलौदाबाजार हिंसा में तत्कालीन कलेक्टर एसपी पर गिरी गाज, कलेक्टर केएल चौहान को किया गया निलंबित, तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित किए गए। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हल्के में नहीं ले रही है सरकार, तुरंत बैठकें चली, सतनामी समाज के साथ भी बैठक चली, और उसमें खबर ये निकलकर सामने आई थी कि शिकायत दर्ज की गई है सतनामी समाज की तरफ से एसपी और कलेक्टर पर, उसी को देखते हुए हटा दिया गया था एसपी सदानंद कुमार और कलेक्टर के
केएल चौहान को और नए कलेक्टर बना दिए गए थे दीपक सोनी और नए एसपी बना दिए गए थे विजय अग्रवाल। लेकिन अब अपडेट ये है कि उन पर तगड़ी गाज गिरती हुई नजर आई है क्योंकि उनको निलंबित भी कर दिया है, कलेक्टर केएल चौहान को निलंबित कर दिया है, तो वहीं तत्कालीन एसपी सदानंद कुमार भी निलंबित किए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, हम देख रहे हैं कि बलौदा बाजार अग्निकांड को ना सरकार हल्के में लेती दिख रही है ना ही विपक्ष, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। अभी दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि विष्णुदेव साय सरकार ने एक नए आयोग का गठन कर दिया है और दूसरी खबर यह है कि जो तत्कालीन एसपी और कलेक्टर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक एक करके दोनों खबर के मायने क्या है समझा दीजिए। देखिए मायने अंजलि स्पष्ट है कि बलौदा बाजार की घटना पर एसपी और कलेक्टर की लापरवाही सामने आई थी और लापरवाही जो सामने आई है उस पर सरकार ने एक्शन लिया और जो सतनामी समाज के प्रमुखों से दो बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक हो चुकी है और बैठक के दौरान पर उनसे सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा था कि एसपी कलेक्टर हमसे मिलना नहीं चाहते थे, हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे और इसीलिए इतनी बड़ी जो घटना है वो कहीं ना कहीं घटी है। तो इसको लेकर अब सरकार ने एक्शन है और सदानंद कुमार और केएल चौहान जो एसपी और कलेक्टर है उनको निलंबित कर दिया है और निलंबित करने के साथ पे एक आयोग का भी गठन किया गया है। पूर्व जस्टिस के प्रतिनिधित्व में ये आयोग जो है वो काम करेगा और छह बिंदुओं पर काम करता हुआ नजर आएगा और छह बिंदुओं पे प्रमुख रूप से जो 15 और 16 मई के दरमियान पे जो ये घटना घटी थी रात पर किस तरह से वो जैतखम है वो काटा गया था, क्या उसके पीछे की वजह है, इसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा जो इतनी बड़ी घटना उस दिन 10 तारीख को घट गई उसके पीछे क्या वजह जो है वो देखी जाएगी। इसके अलावा आगामी समय पे ऐसा कुछ ना हो इसके लिए भी सुझाव मांगा गया है और कमिटी छह बिंदुओं पर जांच अच्छा, करके ये तो हमने बात की कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि विपक्ष की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। बलौदाबाजार हिंसा, प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और विधायक पदाधिकारी आज बलौदाबाजार घटना स्थल जाएंगे। इसी कड़ी में आज दीपक बैज, चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल बलौदाबाजार जाने वाले हैं और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी विधायकों के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और घटना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं देखिए सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए विभागों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बैठकों का फोकस जनता से जुड़ी योजनाओं पर है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था, इसी के चलते सीएम साय गुरुवार से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। आज सीएम स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा शिक्षा के साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं 15 जून को मुख्यमंत्री गृह, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी विभाग, जेल विभाग की समीक्षा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लगातार समीक्षा बैठकें चल रही है सीएम विष्णुदेव साय की। तो छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बनेंगे एक एक गौ अभ्यारण्य, ये अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गौ अभ्यारण्य में जल्द काम होगा शुरू और सीएम विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक में दिए हैं निर्देश। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं। अभी मैं यही अपडेट दे रही थी कि किस तरीके से समीक्षा बैठकों का मैराथन चल रहा है छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का, उसी से जुड़ी एक ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में बनेंगे एक एक गौ अभ्यारण्य और गौ अभ्यारण्य में जल्द काम शुरू होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने समीक्षा बैठक में इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फिर से रुक करूंगी मैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, हम देख रहे हैं कि मैराथन बैठकें चल रही है विष्णुदेव साय सरकार की, इसी में आज क्योंकि कल से शुरुआत हुई है मेरे ख्याल में तो आज इसका दूसरा दिन है, ऐसे में क्या अपडेट किन विभागों पर आज फोकस नजर आ रहा है?
बिल्कुल अंजलि, आप सही कह रही हैं, कल से इसकी शुरुआत हुई है और कल कृषि और खाद से जुड़े हुए मसलों पर बैठक की गई थी। इसके अलावा पशुधन विकास विभाग की बैठक की गई थी, जिसपे एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि प्रदेश के तमाम संभागों पे गौ अभ्यारण्य बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो स्वदेशी दूध का ब्रांड है देवभोग छत्तीसगढ़ का, उस देवभोग ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए IIM में अध्ययन करने को कहा गया। तो तमाम तरीके से फैसले कर लिए गए, लेकिन आज भी बड़ा दिन है, आज भी दो विभागों की समीक्षा होने वाली है। आज इंसान मानव से जुड़ी हुई विभाग है स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, जो महत्वपूर्ण रखता है और जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर चिंतित लोग नजर आते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा जो है वो CM विष्णुदेव साय करने वाले हैं, और इसमें दवाई की उपलब्धता, जांच की उपलब्धता, इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो सुदृढ़ रहे, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का ना सामना करना पड़े, उसको लेकर यह बैठक की जाएगी। 1:30 बजे से मंत्रालय पर यह बैठक शुरू होगी, जिसपे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद खाद्य विभाग की बैठक होगी। और खाद्य विभाग की बैठक पे जो PDS सिस्टम है, जिसके तहत में लोगों को राशन वितरण किया जाता है, उस सिस्टम की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा खाद्य से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी उस पर मौजूद रहने वाले। तो निश्चित तौर पर CM लगातार समीक्षा बैठकों का दौर चला रहे हैं, कल भी बैठक होने वाली है, तो लगातार समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है जनता से जुड़े, विकास से जुड़े कार्यों को लेकर, फिर चाहे वो पशुधन विकास विभाग हो या खाद्य विभाग हो या कृषि विभाग हो। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट, 17 जून से सक्रिय हो सकता है मॉनसून, ये बड़ी खबर मिल रही है। मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मॉनसून और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई है अच्छी बारिश। पिछले साल 18 जून को मध्य छत्तीसगढ़ पहुंचा था मॉनसून, और ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां अब गर्मी कम होती हुई दिख रही है, पारा जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में इंतजार है मॉनसून की दस्तक का, इसी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट मिल रही है कि 17 जून से सक्रिय हो सकता है मॉनसून। पिछले वर्ष के मुकाबले ये एक दिन पहले माना जा रहा है, तो कुछ ना कुल मिलाकर उसी तारीख पर मॉनसून देगा दस्तक, मध्य छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मॉनसून। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं हुई है अच्छी बारिश। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की भी। भोपाल में 18 जून तक मॉनसून की उम्मीद जताई जा रही है, हवा के साथ नमी आने का सिलसिला लगातार जारी है प्रदेश में, धीरे धीरे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून। भोपाल उज्जैन में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं ग्वालियर में अभी भी तपिश बरकरार है। तो मिला जुला मौसम देखा जा रहा है मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर लूं तो। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर तपिश बरकरार है, लगातार जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार ही देखा जा रहा है। तो वहीं भोपाल उज्जैन में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो 18 जून तक भोपाल में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद है, हवा के साथ नमी आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं रोहित मिश्रा रायपुर से और सूरज तिवारी भोपाल से। सबसे पहले मैं रुख करूंगी सूरज आपका, आप मौसम पर अपडेट दे दीजिए, मध्य प्रदेश का मौसम क्या कहता है? निश्चित तौर पर अंजलि, इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ प्रकाश धावले जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करूंगा और यही समझाएंगे कि मध्य प्रदेश का मौसम क्या कहता है और मानसून कब तक मध्य प्रदेश में आएगा। सर, कैसा मौसम रहने वाला है और मानसून की एंट्री कब तक होगी मध्य प्रदेश? जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में भी पूरे मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर जो है वर्षा दर्ज की गई है, और जैसे उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जो है हल्के से हीट वेव टाइप कंडीशंस और जो तापमान में वृद्धि देखी गई है आने वाले 24 में। आप देख सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स की इमेज से कि यहाँ पे एक मींस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ राजस्थान के ऊपर, और जो नमी जो है वो मींस अरेबियन सी से आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है क्लाउडिंग भी बना हुआ है आने वाले 24 घंटे में। हमने एक पूर्वानुमान जारी किया है कि यहाँ पे 14 तारीख के लिए जो है आंशिक मींस आइसोलेटेड फॉर्मेट में वर्षा हो सकती है, जैसे कि इंदौर उज्जैन संभाग हो गया, भोपाल संभाग हो गया, नर्मदापुरम संभाग हो गया, जबलपुर और शहडोल संभाग के अनेक जगहों पे जो है वर्षा होने की संभावना है। यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट भी हमने दिया है जहाँ पे उज्जैन संभाग के जो है रतलाम, उज्जैन और इंदौर जो यहाँ पे एक ऑरेंज अलर्ट मीन्स गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, कहीं कहीं अच्छी वर्षा भी हो सकती है। उसके साथ जो है छिंदवाड़ा, पांडूरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी जो है ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, जिससे कि वहाँ पे भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है और तेज
हवाएं जैसी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है, और बाकी जगह पे जो येलो अलर्ट दिया हुआ है वो जो वहाँ पे भी मीन्स गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और हाँ, आप देख सकते हैं मानसून का कल का जो है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सौराष्ट्र के वहाँ से निकलते हुए जलगांव तक पहुँच गया और महाराष्ट्र के विदर्भ के अनेक डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करते हुए चंद्रपुर से ब्लू लाइन मानसून है, और फिर वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ के साउथ छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और कोस्टल आंध्र प्रदेश से होते हुए आगे जा रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में जैसे अगर फेवरेबल थोड़ा सा इसका मूवमेंट जो है स्लो हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है 18 तारीख के आसपास जो है मानसून आने की संभावना बनी हुई है। और मध्य प्रदेश में सर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये टच कर रही है ब्लू लाइन, तो मध्य प्रदेश की सीमा को तो अब मानसून टच कर गया है। इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो थोड़ा सा अभी टच करने का है मध्य प्रदेश को भी, तो यहाँ पे जलगांव है वहाँ तक आया है मानसून, और जलगांव के ऊपर जैसे यहाँ पे एक बरानपुर है तो वहाँ पे आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो होपफुली जैसे अभी मीन्स अगर फेवरेबल कंडीशंस रही तो मानसून 4-5 दिनों तक आने की संभावना है, 18 तारीख तक मध्य प्रदेश में आने की संभावना जताई जा सकती है। मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित का। रोहित, अभी अभी प्रकाश जी मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे जो मानसून की लाइन है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ तक जाती हुई दिख रही है, तो छत्तीसगढ़ में कब तक मानसून आने की संभावना है रोहित? बिल्कुल, देखिए धावले जी सही कह रहे थे कि दक्षिण छत्तीसगढ़ तक के लाइन पहुंच गई है और जल्द ही ये दक्षिण छत्तीसगढ़ से मध्य छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगी, और 17 तारीख वो दिन बताया जा रहा है जब जो है मध्य छत्तीसगढ़ पर ये बारिश पहुंचेगी, और रायपुर संभाग सहित पे जो आज अगल बगल के संभाग है जैसे बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, और इसके अलावा मैं कोरबा संभाग की बात करता हूँ, तो तमाम संभागों पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल तौर पर तापमान हाई है, और कल के लेकर मैं बात करता हूँ तो 43 डिग्री सेल्सियस तापमान कल का दर्ज किया गया, बिलासपुर में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, इंतजार सिर्फ मॉनसून का हो रहा है, और 17 तारीख को टकटकी लगाकर तमाम लोग देख रहे हैं। तो 17-18 जून की वो तारीख जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम अपडेट्स के लिए। और अगली बड़ी खबर रायपुर नगर निगम से जुड़ी हुई मिल रही है, भू माफिया के खिलाफ सख्त हुआ रायपुर नगर निगम, 32 जमीन मालिकों पर FIR दर्ज करवाएगा निगम, अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी लगाम, शहर के अंदर बाहर के वार्ड्स में हो रही है अवैध प्लॉटिंग, और उसको लेकर अब उस पर लगाम लगाने को लेकर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है रायपुर नगर निगम, 32 जमीन मालिकों पर FIR दर्ज करवाएगा रायपुर नगर निगम। तो भू माफियाओं के खिलाफ ये बड़ी पहल, सख्ती देखी जा रही है, एक्शन मोड में नजर आ रहा है रायपुर नगर निगम, 32 जमीन मालिकों पर FIR दर्ज करवाएगा रायपुर नगर निगम, और अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी लगाम, वही शहर के अंदर बाहर के वार्ड्स में हो रही है अवैध प्लॉटिंग, जिसको लेकर अब सख्ती बरतते हुए रायपुर नगर निगम। तो वहीं कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात है, जहां कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान थोड़ी ही देर में पहुंचेगा। ये तस्वीरें देखिए आप, दरअसल आंकड़े निकल कर ये आए थे कि जो मारे गए भारतीय हैं कुवैत के अग्निकांड में, उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो तमिलनाडु और केरल राज्य के शामिल है। ऐसे में जहाँ अब वायुसेना का विमान लेकर आने वाला है, ऐसे में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस बल और एम्बुलेंस तैनात नजर आ रही है। कुवैत में आग लगने के बाद घटना में मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान थोड़ी ही देर में वहां पहुंचेगा।